तो गाइज इस वाले गांव में मैं भाई 2-3 दिन से रह रहा हूँ, और गाइज मैं आपको भाई दिखाना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स को। आप देख ही सकते हो भाई, दोनों ही गोलू मोलू मेरे फ्रेंड है। और गाइज मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्या भाई कैसे हो भाई गोलू? अरे ना कह रहा भाई, इग्नोर मार रहा है मुझे। चलो कोई नहीं भाई, इसको पैसे का भाई घमंड आ गया लग रहा है, लेकिन इसको क्या पता मेरे पास कितने पैसे। अरे ये गोलम अकेला लग रहा है, इससे भाई फ्रेंडशिप करते हैं, क्योंकि गाइस गोलम बड़ा ताकतवर है, इससे फ्रेंडशिप करेंगे तो आप मेरे फ्रेंड बन जाए। ओ गोलू मेरे फ्रेंड बनोगे क्या? मेरे फ्रेंड बनोगे गोलू? गोलू Nope. अरे ये तो भाग गया भाई, बड़ी गंदी वाली बेइज्जती कर रहे हैं हमारी यार। सारे के सारे गांव वाले बेइज्जती पे अड़े हैं हमारी, तो भाई हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते भाई। मैं सुल्लू पर पानी में डूब रहा हूँ, यहाँ पे पानी तो मिल गया लेकिन यार सुल्लू भरी है। लेकिन गाइस हम जब तक डूब रहे तब तक आप क्यों बैठे हो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई वीडियो को शेयर करो। और सुल्लू पर पानी हमें भाई डूबा नहीं सकता, हम बहुत ही बड़े इंसान है। तो गाइस आज के वीडियो में मैं अपने भाई को भाई ट्रोल करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस वो मुझे बहुत ही परेशान करता है। और गाइस इससे बढ़िया मौका भाई कभी नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं आज भाई 2-3 ट्रैप बनाने वाला हूँ, जो कि भाई अगर काम किए तो भाई अद्भुत, अविस्मरणीय और सुपर होने वाला है। लेकिन गाइस अगर काम नहीं किए तो भाई बकवास और बेकार हो गए। तो गाइस गोलम भाई अपनी तरीके से घूमता हुआ मैं यहाँ पे भाई ले लेता हूँ, क्या नाम है इसका, एनविल। एनविल हाँ गाइस, एनविल लेंगे हम। और भाई यहाँ पे भी फाइनली हमें ट्री के ऊपर जाना है, और ट्री को यहाँ से तोड़ देना, और फाइनली यहाँ पे भाई हमें एनविल रख देना है। तो गाइस इसमें सीन ऐसा होगा कि वो जैसे ही भाई ट्री को तोड़ने जाएगा, मतलब कि मैं उसे कहूँगा कि भाई ये वाला ट्री को तोड़े नीचे रह कर, और भाई वो जैसे ट्री को तोड़ने जाएगा वैसे ही भाई ये एनविल उसके ऊपर गिर जाएगा, और आई थिंक वो मर जाएगा। लेकिन गाइस उतनी हिट तो नहीं दे पाएगा, लेकिन भाई देखते हैं कितनी हिट दे रहा है। क्या भाई तुझे भी खड़ा रहना है क्या? चलना यार जाना। अरे ये देखने क्यों आते हो? पहले तो भाई बेइज्जती करते फिर भाई हम देखने आते। तो गाइस हम यहाँ पे भाई कर रहे हैं दूसरे ट्रिक की तैयारी, मतलब कि दूसरे ट्रैक की तैयारी। सॉरी गाइस ट्रिक बोल दिया। ओके गाइस इतना भाई मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह बना ली, और यहाँ पे हम रखने वाला है डिस्पेंसर, जो कि गाइस दूसरी साइड पे हमें भाई उसका शोर लगाना पड़ेगा, मतलब कि निकालना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे डिस्पेंसर है। ओके यहाँ पे आई थिंक निकल जाना चाहिए। ओके यहाँ पे मिल गया हमें डिस्पेंसर। और गाइस मुझे भाई ये वाला भी तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमें भाई वो नहीं दिखेगा, मतलब कि उसको जो हमें मानना है वो तो भाई दिखने वाला नहीं। और मुझे जल्दी करना पड़ेगा, अगर वो आ गया, अगर वो आ गया तो भाई हमारा सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पे भाई तोड़ लेता हूँ। और फाइनली गाइस इतने ब्लॉक बहुत है, और गाइस मैं यहाँ पे भाई और भी कुछ कर लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पे भाई मुझे और भी ब्लॉक चाहिए, जो कि भाई लावा को भी इसमें रख सकता है। तो भाई जल्दी से मैं यहाँ पे और भी तोड़ लेता हूँ, और भाई थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ। ओके गाइस फाइनली यहाँ पे भाई बहुत सारा काम खत्म हो गया है। अब हमें सिर्फ डिस्पेंसर के अंदर एरो डालने हैं, जो कि भाई लावा के थ्रू पास हो गए और भाई जलते हुए जाएंगे, जो कि भाई किसी को भी लगेगा तो भाई वो वाला इंसान भी जल जाएगा, मतलब कि वो वाला पर्सन भी जल जाएगा। तो गाइस इतना काम तो हो गया है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे भाई हम टेस्टिंग भी कर लेते। ओके पहला एरो तो भाई थोड़ा नीचे गया, तो कोई नहीं दूसरा एरो पे ट्राई करते कहाँ पे जाता है। अरे ये तो भाई बहुत ही नीचे गया, मतलब कि दूर ही लग रहा है। ओके ये फाइनली सही से लगा। ओ यार यार इसे कहाँ जाना है भाई, मार्स पे जाएगा क्या? चलो कोई नहीं भाई, ये वाला सही से नहीं लग रहा है, लेकिन कोई नहीं एक आध तो लगेगा ही। और मुझे एक पक्का यकीन है भाई उसे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि भाई वो बहुत ही बड़ा NOOB है। NOOB हाँ गाइस सही कह रहा हूँ, 3 वो आए थे बड़े वाले नूब में। तो गाइस फाइनली हम आ गए भाई लास्ट वाले ट्रैक पे। तो गाइस आप देख लेना भाई, बहुत ही सिंपल वाला ट्रैक है, लेकिन गाइस बहुत ही मस्त है। इसमें भाई बहुत ही मस्त वाला हम करने वाले हैं, आप देख लेना यार। मैं पहले ही बता दूंगा तो आपको भाई मतलब कि मज़ा नहीं आएगा इसको देखने में। तो गाइस मुझे यहाँ पे फाइनल इसको तोड़ के भाई इसके अंदर हमें स्टिकी पिस्टन रखनी थी। सो फाइनली यहाँ पे भाई एक ब्लॉक और तोड़ लेते, और यहाँ पे भाई स्टिकी पिस्टन रख देते, और यहाँ पे भाई ब्लॉक ऑफ डायमंड भी रखेंगे, क्योंकि गाइस वो ये ब्लॉक देख के भाई किसी के भी मन में लड्डू फूट सकते हैं, जो कि भाई तोड़ने का मन करेगा ही। लेकिन गाइस ये वाला भाई मैंने गलत लगाया, मुझे सोचना पड़ेगा, सोचने दो गाइस मुझे। तो गाइस हमने यहाँ पे भाई बहुत ही गलत सा लगाया है, तो गाइस हमें भाई एक स्टेप दूर लगाने से स्टिकी पिस्टन, तो भाई एक स्टेप दूर में यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगाता हूँ, और इसके सामने भाई मनमोहक डायमंड के ब्लॉक लगाएंगे, जो कि भाई किसी का भी मन ब्लॉक कर सकते हैं। रुको मैंने मन ब्लॉक कहा यार, डायमंड का ब्लॉक और मनमोहक को मिक्स कर दिया है, मैंने मन ब्लॉक बोला है। लेकिन गाइस ये वाला मिक्सरण भी बहुत ही मस्त लग रहा है, मन ब्लॉक डायमंड। हाँ गाइस मन ब्लॉक डायमंड बहुत ही मस्त वाला नाम लग रहा है सच में यार। तो चारों तरफ भाई मैं इसको ढक देता हूँ, क्योंकि गाइस किसी को पता ना चला चाहिए कि भाई यहाँ पे मन ब्लॉक डायमंड मैंने रखे। ओके इतना हो गया है हमारा भाई, तो अब मुझे थोड़ी वायरिंग भी करनी पड़ेगी। मन ब्लॉक डायमंड को भी हम भाई ढक देते। ओके अब भाई इतना तो हो गया है, फिर से मैं कह रहा हूँ इतना हो गया है, अब हमें यहाँ पे भाई वायरिंग करनी पड़ेगी, जो कि भाई हम बाहर से भी कर सकते। आई थिंक यार
ऐसा चलेगी 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 चलेगी। ओके गाइज हम भाई चलते हैं, इस साइड भी, इस साइड तक भी हम ला देते हैं। तो हम इस साइड भाई बटन रखने वाले हैं जो कि भाई हमारे शिकार को अपने पिंजरे के अंदर डाल देगा और बाहर आने नहीं देगा। क्या बोल रहा हूँ यार, चलो कोई नहीं। इस साइड भाई हम लेवर रखेंगे जो कि भाई इसको फंसाए रखेगा। और लेवर भाई लग नहीं रहा, ओके फाइनल लग गया, आप देख सकते। अरे अरे वन ब्लॉक, मतलब कि वन ब्लॉक नहीं काम कर रहा, फाइनली भाई अब काम कर रहा है हमारा ब्लॉक। तो गाइज मुझे यहाँ पे और भी तोड़ना पड़ेगा, थोड़ी भाई डेकोरेशन भी कर लेता हूँ। 2 hours later तो गाइज शादी का डेकोरेशन खत्म हो गया है और गाइज हमें भाई यहाँ पे पानी डालना है जो कि भाई हमारे ट्रैक के ऊपर पर्दा डाल देगा। तो गाइस फाइनली अपना शिकार आ गया है जो कि भाई उस तरफ घूम रहा है। आप देख सकते भाई हरा हरा शिकार, हरा नहीं यार, ब्लू ब्लू शिकार हमारा घूम रहा है जो कि भाई तैयार है मरने के लिए। 3-4 बार मारने वाला हूँ मैं उसे आज, तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है भाई, पूरी की पूरी भड़ास निकाल दूंगा उसकी। तो गाइस आप देख सकते डिफॉल्ट मोड है सर्वाइवल और मेरा मोड है क्रिएटिव, ओके। और वो तो बदल नहीं सकता क्योंकि गाइस मैंने उसका ऑप्शन स्टार्ट नहीं किया। तो गाइस फाइनली मैं उसी यहाँ पे बुलाता हूँ और मैं कहने वाला हूँ कि भाई तुम ये वाला पेड़ काटो इसके नीचे खड़े रहकर, और मैं ये वाला पेड़ काटता हूँ। तो वह फाइनली आ गया है और भाई मैंने कहा है मैं यहाँ पे भी झूठ मूठ का पेड़ काटता हूँ जिससे भाई उसको लगे कि मैं यहाँ पे भी पेड़ काट रहा हूँ, ओके। वो काटने लगा है, चलो चलो हम उसको देखते हैं। फाइनली यार वो मैंने जैसा कहा वैसा ही कर रहा है, चलो 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 जल्दी से यार काटो यार, बहुत देर लगा रहा है वैसे भी वो, ओके ओके। और यार गिर जा यार, गिर क्यों नहीं रहा वो? अरे यार नहीं मरा, मैंने उसे पूछा तो वो कह रहा है कि भाई मेरे 3 ही हर्ट्स गए। तो गाइस ये वाला एक तो काम नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हम दूसरे एक से मतलब उसको दूसरे ट्रैक से हम मारने वाले हैं। 2-3 बार तो मारेगी वो, तो पक्का कह रहा हूँ, एक बार तो मारूंगा ही। तो गाइस हम आ गए भाई मौत के कुएं के पास जो कि भाई हमारा दूसरा ट्रैक है, और गाइस मैंने इसका नाम दिया मौत का कुआ जो कि बहुत ही बेकार नाम है, मुझे पता है यार, मैं भाई सदमा गया हूँ, सदमा लग गया मुझे यार। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे इसलिए भाई सदमा लग रहा है मुझे। मैंने यहाँ पे भाई ये पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी, और यार वो ये तो भाई तोड़ने लगा है, मुझे जल्दी से भाई बटन दबाना पड़ेगा, ओके फाइनली ये लग जाए। वो कहाँ जा रहा है यार तीर, लग जा वो यार, नहीं लग रहा ऊपर होता, लग जाता एक आध लग जा यार, फाइनल वो बसा थोड़ा सा ही बसा, फाइनल लगने ही वाला है यार, लग जा अभी भी वो तोड़ रहा है, उसे लगा भाई और निकलेगा, उसे यही लग रहा है। ओ लगा फाइनल लगा भाई, एक तीर लगा गाइस, और भी लगाते हम यार, नीचे गिराना है उसे जल्दी से भाई, यहाँ पे एक दो और यार लग जाना यार, लग नहीं रहे भाई तीर, सही से लग जाते तो और भी मजा आता यार, जल्दी से एक लग जा। ओह गाइस गया नीचे गया अब भाई लावा में गिर गया यार, नीचे गया। तो गाइस ट्रैक नंबर 2 सक्सेस हो गया है जो कि भाई बहुत ही मस्त वाला बना था और मुझे बहुत मजा आया उसे मारने में। तो गाइस मैं भी जाता हूँ फिर से हमारे विलेज के पास जहाँ पे हमारे भाई ट्रैक नंबर 3 है। तो गाइस अब बारी है भाई तीसरे ट्रैक को ट्राई करने की जो कि भाई उसको मैंने यहाँ पे बुलाया और मैंने उसे कहा कि भाई इसके अंदर जो ब्लॉक है उसे तुम तोड़ोगे तो भाई डायरेक्ट जाओगे हिडन हाउस के पास जो कि भाई बहुत ही मस्त है। मैंने तुम्हें गिफ्ट में मैं देना चाहता था जो कि मैंने उसे भाई पोपट बनाया है, आप देख ही सकते भाई इसमें भाई कुछ भी चलता है। और मैंने उसको कहा कि भाई पिकैक्स से दौड़ना, और गाइस फाइनली यहाँ पे भाई मैंने उसको कैद कर लिया है। और गाइस आपको एक बात बता दूं कि भाई मैंने उसको भाई लकड़ी की पिकैक्स दी है जो कि भाई सारे के सारे ब्लॉक को कभी भी तोड़ नहीं सकती, और भाई अगर तोड़ेगा तो भाई इतनी देर लगी कि भाई उसको भाई 2-5 दिन लग जाएगा यार बाहर आने में, सच में यार मुझे ही तोड़ना पड़ेगा, वैसे तो नहीं तोड़ेगा लेकिन गाइस हम भाई उसको भाई बहुत ही देर तक रखने वाले हैं, जब तक भाई वो कह ना दे कि भाई मुझे बाहर निकालो तब तक भाई मैं उसको इसी के अंदर रखने वाला हूँ, चाहे भाई जितनी भी देर लग जाए वो उसको भाई मनाने वाला हूँ कि वो हार गया है। तो फाइनली भाई बहुत ही देर लगने वाली है इस वाले भाई ट्रैक के अंदर उसको, तो गाइस देखते भाई कितनी देर में वो हार मानता है या नहीं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे रात से दिन हो गई है और मुझे कहने में भी शर्म लग रही है क्योंकि गाइज मैंने उसको पूरी रात इसके अंदर रखा है और गाइज देख सकते हैं यार उसने एक ही ब्लॉक तोड़ा है अब तक, लेकिन गाइज वो इतनी देर तक कर क्या रहा था मुझे ये नहीं पता, मुझे तो लग रहा है वो ब्लॉक रखता होगा और भी तोड़ता होगा यार, अभी भी तोड़ रहा है भाई, बाहर आ जा यार, बाहर जा यार, उसको मार ही देता हूँ, ऐसे तो बाहर नहीं निकालने वाला भाई मैं क्रिएटिव में करके। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना।